हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रियल नंबर्स के। ये जो सीरीज स्टार्ट की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपकी रिक्वेस्ट पे की है, तो इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। ये उनके लिए है जिन्होंने तैयारी कर ली है बढ़िया से, साथ ही साथ जिनको किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टाइम कम है तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कम से कम करना ही करना आपको। देखो इसका जो, अब मैं यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, इसमें से चैप्टर वाइज बताऊंगा अभी, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक वीडियो रखेंगे जिसके अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर जैसे जैसे वीडियो आता है आपको, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो अपना जो फेसबुक पर जो पेज है और एक ग्रुप है, साथ ही साथ टॉपर्स विलेज का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो वहाँ पर आप इनके ना फोटोज़ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप बस यही है ना, सोशल मीडिया को एक ढंग से यूटिलाइज करो, एक वाइजली यूज़ करो। सभी चलाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप उसको ना थोड़ा यूज़ करो, स्टडी के अंदर भी कुछ फ़ायदा आपको होना चाहिए, एकदम स्मार्ट बनो। तो ये करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, इस चैनल पर आपको ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेंथ क्लास के जो हर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, वो फुल्ली सोल्ड मिलेगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज तक आपको यहाँ पे सोल्ड मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ठीक है, एकदम मतलब रॉक कर देना एग्ज़ाम के अंदर। अभी हम चलते हैं रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। देखो एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, उससे पहले दो चीज़ें आती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है एचसीएफ फाइंड करने का एक दूसरा तरीका है, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का जो तरीका होता है एक फैक्टराइजेशन, वो तो चलो इसके अंदर अगली एक्सरसाइज के अंदर आएगा भी। इसके अंदर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ना ऊपर की तरफ लिंक देता रहूँगा, एक तो इसके जो सॉल्यूशन है चैप्टर के वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, और साथ के साथ इसका जो रिवीजन का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको यहाँ पे अभी मिल रही होगी, दिख रही होगी, ठीक है। हाँ एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट आ चुका है, तो अब सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट में से है तो मैं सेकंड पार्ट को बताऊंगा, इतना आसान भी शायद नहीं आएगा। तो सेकंड जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप समझ जाते हो तो इधर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये समझ जाओगे आप, बस क्वेश्चन नंबर 2 पे कमांड बनाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर से रिलेटेड, एक तो ये है कि प्रूव करो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m+1 पैटर्न टाइप का बनता है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं कि यहाँ पे स्क्वायर से ऐसे एज इट इज यही वर्डिंग होगी, यहाँ पे 3m और 3m+1 नहीं होगा, वहाँ पे 4q और 4q+1 या फिर 4m और 4m+1 भी हो सकता है। और इसी के साथ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 5n और 5n+1 साथ ही साथ 5n+4, तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब ये कैसे करते हैं हम क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी निपटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, इसके अंदर वही है फैक्टराइजेशन, इसके अंदर मेनली समझाया गया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक, और उसी के साथ यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आता है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, इस तरीके से भी आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये चीज़ प्रूव कराने, वेरीफाई कराने के लिए बोला है कि यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, आप इनका एक बार एलसीएम निकालो एक बार एचसीएफ निकालो, साथ ही साथ ये चीज़ प्रूव करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब ए इंटू बी होता है। तो कई बार क्या होता है कि एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाता है और वो दोनों नंबर दे दिए जाते हैं, और बोला जाता है कि भाई उनका एलसीएम बताओ, तो इस टेक्निक से आप, इस फॉर्मूले से आप वो एलसीएम भी पता कर सकते हो उल्टा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, ये एलसीएम का एप्लीकेशन है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा इसके लिए ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, एलसीएम ओनली एलसीएम समझाया गया कि एलसीएम क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे समझाया उसको, तो उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल रही होगी। फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास में आपके इरेशनल नंबर आया होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये है। और ये एक्सरसाइज 1.3 मेरे को सबसे बढ़िया लगती है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है पक्का, और एक क्वेश्चन क्या आता है ये भी पक्का होता है। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 है रूट 5 का, ये एक बार समझ लो, इसी तरीके से रूट 2 रूट 3 रूट 7 उनका प्रूफ भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2
अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ पे जो दो एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11, ये समझ जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, इनको ना कर लो और साथ ही साथ समझ भी लो कि कैसे करते हैं इनको, सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन जाएंगे। ये दोनों में इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। फिर आता है एक्सरसाइज 1.4, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवन्थ पार्ट, सॉरी फर्स्ट, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं ना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर एक्सरसाइज 1.4 में से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे, 2.14 समझ लो और दूसरा नंबर समझ लो कि √7 है, ठीक है। इनके बीच में कुछ इरेशनल नंबर इंसर्ट करो या कुछ इरेशनल नंबर आप फाइंड करके बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा इसके रिवीजन के अंदर मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो आप वो ज़रूर देख ले। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस चैनल पर एक बार आप अच्छे से विजिट करें, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगला जो चैप्टर अपना कौन सा, पॉलीनोमियल्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।